नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। मैं हूं रोशनी सिंह। नवलखी मैदान में हुए दुष्कर्म के कारण आज याकूतपुरा की महिलाओं की ओर से कैंडल मार्च का प्रदर्शन किया गया। शहर में कुछ दिन पहले 14 साल की एक छोटी बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के चलते आज महिलाओं ने कैंडल मार्च करके अपना आक्रोश प्रदर्शन किया था। याकूतपुरा विस्तार की रहने वाली महिलाओं द्वारा ये कैंडल मार्च किया गया था। ये मार्च मांडवी 4 रस्ते पर निकाली गई थी और महिलाओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के सांकड़ प्रदर्शन भी किया। आरोपियों के अभी तक पकड़े नहीं जाने पर उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी सवाल उठाए। हमारी मांग यही है कि हमारे जो बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है उसके गुनहगार अभी तक पकड़े नहीं गए, और जितनी दूसरी कहीं भी कितनी जगह पे हो गया उसके बलात्कार ही 2 दिन में 3 दिन में पकड़े गए और यहाँ अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। इसलिए हम सब लेडीज यहाँ पर जमा हुई है। हर ये एक इंसान का क्या एक कौम की चीज के लिए नहीं है, ये हर कौम की बेटी के लिए है, ये हर कौम की हर जात की छोटी बड़ी हर बेटी के लिए है। इसलिए हम सब यहाँ जमा हुए है कि जो आज जो 2 दिन पहले हुआ है वो अब बड़ौदा में ना हो। अब यहाँ क्या हो गया है, गाय माता सेफ हो गई है पर लड़कियाँ सेफ नहीं है, इसका क्या मतलब? सेफ करना तो सबको सेफ करो, जिसने भी ये काम किया उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको जल्द से जल्द सजा मिले। हमारा मकसद वो है कि जो आज सब महिला यहाँ जमा हुई है और अपने उस लड़की के संगत जो भी हुआ है वो आज हुआ है, पर और लड़की के संगत हो सकता है। अगर ये सब रुकाना चाहते हो तो पुलिस को जल्द से जल्द अपने चार जो भी है उनको पकड़े, आरोपी को पकड़े, और अभी तक पकड़ नहीं रखे तो पुलिस क्या कर रही है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।